नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो आलमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो एक पौधा दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही दिव्य पौधा है, औषधि गुणों से भरा हुआ पौधा है। यह हमारे भारत देश के अलावा अन्य सभी देशों में पाया जाता है, तो आप इसे देख करके पहचान लीजिए, इसके औषधीय गुण आज वीडियो कम्प्लीट देख करके जान लीजिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसके बहुत से औषधीय गुण और सरल विधि प्रयोग बताऊंगा उपयोग करने का, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, अगर इच्छा हो इसी तरह की वीडियो हमेशा वनस्पति ज्ञान जानने सुनने देखने की। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं इस पौधे के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस पौधे को अच्छे से देखिए और पहचानिए, ताकि भविष्य में आप कभी भी इसको देखते हो तो आसानी से पहचान सको और इसके फायदे ले सको। दोस्तों, अब इसके नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके बहुत से नाम हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हो। तो मैं आप लोगों को इसके जो वैज्ञानिक नाम है उसको बता दे रहा हूँ। इसका वैज्ञानिक नाम है चर्जोफोरा के नाम से इसे बोटनिकल नाम दिया गया है, और हिंदी में इसे सदेवी कहा जाता है, और कन्नड़ में इसको लिंगा मेनासु कहा जाता है, और मराठी में दोस्तों सूर्यवर्ती के नाम से जाना जाता है, और नेपाली में दोस्तों चोटकी हथकाद कहा जाता है, संस्कृत में इसको सूर्यवर्त कहा गया है, और तेलुगु में दोस्तों इसको इरा मिरियामू कहा गया है। तो दोस्तों, इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इस पौधे के नाम हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने क्षेत्र में इस पौधे को किसी और अन्य नाम से जानते हो, इसके गुणधर्म को पहचानते हो, तो हमें भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब मैं आप लोगों को इसके और पहचान करा देता हूँ। इसके जो फूल आता है वह बहुत ही छोटा छोटा होता है और पीले कलर का होता है, और इसका जो फल आता है वह भी छोटा छोटा दाना टाइप का होता है और खुरदुरा होता है और एकदम बारीक छोटा छोटा फल होता है। तो आप इसको देख करके अगर देखोगे तो पहचान लोगे आसानी से, मैंने आपको इसके पूरी पहचान करा दी है। इसके औषधीय गुण अगर लेना चाहो तो इसके पूरे पंचांग का, इसके जड़ का, मतलब हर एक चीज़ का इसका औषधीय गुण प्रयोग में आता है। तो मैं आप लोगों को इसके जो ज़बरदस्त फ़ायदे हैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही कारगर साबित हो चुके हैं और आपके लिए किसी के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है अगर इस्तेमाल करके देखोगे तो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह किसी भी प्रकार का जो जला कटा घाव, पुराना घाव या फिर किसी भी प्रकार का जख्म हो शरीर में, जख्म रहने के लिए यह रामबाण औषधि, जैसे आपके शरीर में किसी भी प्रकार का जख्म हुआ रहेगा तो वहाँ पे इसके पत्ते, पंचांग, सब चीज़ को कूट पीस करके पेस्ट तैयार करके उस घाव में, जख्म पे लगाइए, या फिर आपका घाव पुराना सड़ा गला हो गया है तो इसके पूरे पंचांग को आग में जला करके इसके राख कर लीजिए और उस राख को लगाइए प्रतिदिन। इस तरह से अगर आप करते हो तो आपको दोनों ही तरह के प्रयोग से फ़ायदा बहुत ही ज़बरदस्त होगा और बहुत ही जल्द आपको किसी भी प्रकार के घाव से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप इसके एक एक दो दो चम्मच जड़ की रस को प्रतिदिन डायबिटीज़ के मरीज़ को पिलाते हो तो उसका डायबिटीज़ पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है और नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीता रहता है और आप हमेशा खुश रहता है। इसकी जड़ में बहुत ही आयुर्वेदिक औषधीय गुण है, इसके रस को सिर्फ पिलाने से डायबिटीज़ के मरीज का डायबिटीज़ जो है कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसके एक और ज़बरदस्त फायदे बता रहा हूँ, जो कि पीलिया रोग के लिए है। जो पीलिया रोग के मरीज होते हैं उनकी आँख पूरी तरह से पीला हो जाता है और शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप इसके जड़ का रस एक एक चम्मच सुबह शाम दे करके उनके पीलिया रोग को ठीक कर सकते हो और बहुत ही जल्द उनको आराम दिला सकते हो। यह पीलिया रोग के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है, पीलिया रोग में भी यह कारगर सिद्ध हो चुका है। तो दोस्तों, आप इसके आजमा करके देख सकते हो, अगर आपके आसपास में इसको देखे हो, जानते हो, पहचानते हो तो। आज आप लोगों को मैंने इसकी जानकारी बता दी है, आज के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल करके आप देख सकते हो। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसके एक और ज़बरदस्त फ़ायदे बता रहा हूँ, जो कि मर्दों के लिए है। तो आप क्या कीजिएगा, इसके पूरे पंचांग को उखाड़ करके रख लीजिए कूट पीस करके, और कूट पीस करके रखने के बाद दोस्तों इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाल दीजिए और थोड़ा सा तिल का तेल डाल दीजिए। अब इन दोनों तेलों को मिलाने के बाद इसका जो पूरा पंचांग रहेगा, जड़ी बूटी अवशेष आप बचा करके कूट पीस करके जो रखे रहोगे, तो उसमें इन दोनों तेलों को मिला करके इसको आपको उबालना है अच्छे से। जब पूरी तरह से उबल जाए, उबलते पूरी तरह से कोयला राख हो जाए, तो उसको अच्छे से उसमें मिक्स करके, रगड़ के, मिला करके, उसको छान करके रख लीजिए शीशी में। अब इस शीशी को किसी भी
टाइम आप अपने जो गुप्तांग है वहाँ पे लगा करके मालिश कर सकते हो या फिर ऐसे ही लगा के छोड़ सकते हो। इससे आपकी जो लंबाई मोटाई की जो समस्या रहती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। हर किसी का सामान्य नॉर्मल हो जाता है और जो उसका सामान्य रहेगा उसका कुछ और बड़ा हो सकता है। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसके अगर लगाते हो तो इससे आपका जो शीघ्रपतन, धातु रोग, जितनी भी मतलब नसों की प्रॉब्लम होती है वो सभी समस्याएँ ख़त्म हो जाती है इस तेल को इस्तेमाल करने से। तो आप इसे पूरे पंचांग को तेल में पका करके इस्तेमाल कर सकते हो या फिर सहवास करने से पहले भी इसको अपने शीशन पे लगा करके अपना काम कर सकते हो। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह से इसके बहुत सारे गुणधर्म हैं। आने वाले और वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी दूंगा विस्तार से। तो बने रहें, इसी तरह की वीडियो देखते रहें हमारे चैनल में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।